सो गाइस टुडे वी विल डिस्कस करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट लिमिट कि इन बैंक्स में हम कितना डिपॉजिट करवाएं इन अकाउंट्स में कि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए या अगर नोटिस आता भी है तो आपके पास उसकी क्लेरिफिकेशन हो एंड सेकंड एक पर्सन कितने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट रख सकते हैं अपने पास कि कोई भी रिस्क ना हो इनकम टैक्स से. बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड लाइक टू हाईलाइट डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट. लाइक अगर आप एक जॉब करते हो, आप सैलरी अर्न करते हो, तो आपकी जितनी भी सेविंग्स होती है आप डिपॉजिट करते हो इन अकाउंट नेम सेविंग अकाउंट टू अर्न इंटरेस्ट इनकम. आप वहां सेव करते हो, उसको बोलते हैं सेविंग अकाउंट. बट अगर आप एक बिजनेस करते हो तो आप ओपन करते हो अकाउंट नेम्ड करंट अकाउंट टू कंडक्ट योर बिजनेस ट्रांजेक्शन. आई विल ऑल्सो शो यू द लोअर रेफरेंस सो दैट यू कैन क्रॉस वेरीफाई द इन्फॉर्मेशन विच आई एम शेयरिंग. सो लेट्स स्टार्ट. करंट अकाउंट लिमिट कि एक पर्सन कितना कैश डिपॉजिट कर रहा है एक करंट अकाउंट में या एक से ज्यादा करंट अकाउंट में, इरिस्पेक्टिव कि कौन से मंथ में वो डिपॉजिट कर रहा है, पूरे साल की लिमिट आपको चेक करनी है. करंट अकाउंट आपका एक्सिस का हो, पीएनबी का हो, एचडीएफसी का हो, यस बैंक का हो या किसी का भी हो, सभी करंट अकाउंट मिलाकर एक पर्सन के पूरे साल में जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, लाइक फाइनेंशियल ईयर 2021 1/4/2020 से स्टार्ट हुआ है, अगर आपने कैश डिपॉजिट की है 50 लाख या उससे ज्यादा, या अगर आपने कैश विड्रॉ किया है 50 लाख या उससे ज्यादा, तो उस केस में आपको इनकम टैक्स नोटिस आने के चांसेस हैं. अब नोटिस कैसे आएगा? बिकॉज जब भी आप अकाउंट ओपन करते हो आप पैन नंबर देते हो, पैन से लिंक्ड होता है, तो बैंकिंग यूनिट क्या करती है, जैसी आपकी लिमिट एक्सीड होती है बैंकिंग कंपनी आपका यह डाटा शेयर करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करता है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से. बिकॉज सोच के देखो ना, आपने अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया हुआ है 60 लाख रुपए डिपॉजिट किया हुआ है और आप अपनी आईटीआर फाइल कर रहे हो 40 लाख से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्वेश्चन पूछेगा ना कि आप रिटर्न तो फाइल कर रहे हो 40 लाख, 60 लाख आपकी डिपॉजिट्स हैं तो कैसे है? देखो इसका आंसर हो सकता है, आपका आंसर क्या हो सकता है कि मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी हुई थी जो मैंने पहले डिपॉजिट नहीं करवाई थी, जो मैं अभी डिपॉजिट करवा रहा हूं. ठीक है, आंसर वैलिड है. बट अगर आपके पास आंसर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये निकलता है कि आपकी कोई और सोर्स भी है इनकम अर्न करने का, कि आपके पास कोई और सोर्स है, आपने कोई शेयर्स ले रखे हैं, आपने उनको बेचा है, या आपके पास कोई प्रॉपर्टी है उसको बेच के आपने कुछ इनकम अर्न करी है जिसको आपने अपने इस सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है, बट आपने उसकी आईटीआर फाइल नहीं की. आईटीआर में तो कितना अमाउंट आ रहा है, 40 लाख, कैश डिपॉजिट किया 60 लाख, तो हो सकता है ना कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम हो. इसीलिए आपको इनकम टैक्स का नोटिस आता है, आपसे पूछता है कि वो 20 लाख क्या है. अगर आपने प्रूव कर दिया कि हाँ भाई ये मेरी सेविंग्स थी उसको मैंने अभी डिपॉजिट किया हुआ है, पर अगर आप प्रूव नहीं कर पाओगे तो जो डिफरेंस होगा माना जाएगा कि वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न कम अमाउंट से फाइल की है, आपने इनकम कंसील की है, और उस इनकम के ऊपर आपको टैक्स और पेनल्टी लगा दी जाएगी. मतलब हमारे एग्जाम्पल में 20 लाख के ऊपर जितना भी टैक्स बनेगा आपसे रिकवर कर लिया जाएगा अलोंग विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज. एग्जाम्पल देखते हैं. आपने सपोज करो फाइनेंशियल ईयर 1920 में, जो लास्ट प्रीवियस ईयर गया, कैश डिपॉजिट किया एक्सिस बैंक में सितंबर के मंथ में करंट अकाउंट में 15 लाख, अक्टूबर में 10 लाख, पीएनबी में करंट अकाउंट में अगस्त में 25 लाख, तो टोटल कितना हुआ, 50 लाख हो गया. तो इस केस में क्या होगा, बैंकिंग यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगा डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट देखेगा कि आपने आईटीआर कितनी फाइल की है, अगर उसमें कुछ मिसमैच होगा तो आपको उसके बाद नोटिस आएगा. तो आपको प्रूव करना है कि हाँ आपके अगर कैश डिपॉजिट ज्यादा है और आपने आईटीआर फाइल कम की है तो उसका रीजन क्या है. सिमिलरली अगर आपने कैश विड्रॉ की है, सेम एग्जाम्पल, सितंबर में 15 लाख, अक्टूबर में 10 लाख और पीएनबी से अगस्त में 25 लाख, तो 50 लाख विड्रॉ कर लिया, तो इस केस में बैंकिंग यूनिट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर देगी बिकॉज आपने 50 लाख या उससे ज्यादा विड्रॉ किया हुआ है कैश में. नाउ लेट्स डिस्कस द सेविंग अकाउंट लिमिट कि अगर आप कैश डिपॉजिट करते हो एक सेविंग अकाउंट में या एक से ज्यादा इन अ फाइनेंशियल ईयर 10 लाख या उससे ज्यादा पूरे साल में, एग्रीगेट में देखना है आपको. एग्रीगेट का मतलब है पूरे साल में किसी भी मंथ में किसी भी टाइम में किसी भी अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया 10 लाख या उससे ज्यादा, बिकॉज बैंकिंग यूनिट आपकी इंफॉर्मेशन शेयर करेगी आपके जुडिक्शन डिपार्टमेंट से कि जहां पर भी आपका पैन रजिस्टर्ड है उसी के बेसिस पर आपकी इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी. फॉर एग्जाम्पल,
एक्सिस बैंक में सितंबर में आपने कैश डिपॉजिट किया 3 लाख, अक्टूबर में किया 2 लाख, अगस्त में किया आपने पीएनबी में 5 लाख, या और भी कोई बैंक है, उन सबकी लिमिट मिलाकर आपका कितना हो गया 10 लाख। एट केस देर आर चांसेस दैट यू विल गेट द नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, प्रोवाइडेड कि आपकी कैश डिपॉजिट और आपकी आईटी रिटर्न में अगर कोई डिफरेंस है तो तभी नोटिस आएगा, अदरवाइज आपको नोटिस नहीं आएगा। नाउ द सेकंड क्वेश्चन कि एक पर्सन सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट कितने रख सकता है, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट रख सकते हो। आपको बस जो भी डिटेल आप डिपॉजिट कर रहे हो, जो भी आप इनकम अर्न करते हो या कैश डिपॉजिट करते हो अपने सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में, उसकी डिटेल आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को शो करनी है, अदरवाइज दे विल चार्ज टैक्स इंटरेस्ट एंड पेनल्टी ऑन द डिफरेंस अमाउंट। तो गाइज ये रूल 114E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसके फर्स्ट और सेकंड पॉइंट में यही बात लिखी है जो मैंने आपको बताई है विद एग्जांपल्स, कि कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल आपने 50 लाख या उससे ज्यादा किया है एक करंट अकाउंट से या एक से ज्यादा, या कैश डिपॉजिट आपने 10 लाख या उससे ज्यादा किए एक फाइनेंशियल ईयर में एक अकाउंट से या उससे ज्यादा, तो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक जहां पर भी आपका अकाउंट है वो पर्सन ये डिटेल शेयर करेगा आईटी डिपार्टमेंट को, और आईटी डिपार्टमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग नोटिस देगा। और अगर आपको वीडियो रेलेवेंट लग रही है तो प्लीज शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच।